हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो देखिए आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और ये एकदम हैवी ड्रेस, जो जैसे जिस तरीके की ड्रेस आप मार्केट से लेते हैं, ये देखिए इस तरीके की पोशाक आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की ब्यूटीफुल ड्रेसेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं हमने गोपाल जी की ये पोशाक किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसमें ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैं ये चंदेरी का फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की ली है। थोड़ा सा हमारा मार्जिन सिलाई में भी जाएगा और जो इसकी लंबाई मैंने ली है स्ट्रिप की, ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 32 इंच की ले रखी है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अस्तर वगैरह का फैब्रिक यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट के लिए। दोनों साइड को हम इस तरीके से मोड़ करके यहाँ पर इसमें हम टिश्यू रिबन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइड वाले हिस्से में मैं यहाँ पर टिश्यू रिबन लगा करके इधर की साइड में कॉर्नर में दोनों साइड में इसमें स्ट्रिप में हम इसको इधर फोल्ड करके इसको हम टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे। तो दोनों साइड हमें इस तरीके से करना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड से टिश्यू रिबन से मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी देखिए दोनों साइड में इसको लगाने के बाद हम अब इसमें नीचे की साइड लेस लगाएंगे। तो अब यहाँ नीचे की साइड में ये देखिए नीचे की साइड यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये इस तरीके का लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी हैवी यहाँ पर लेस है, उसका यूज़ हम करेंगे। इसको हम नीचे की साइड लगाएंगे। ये देखिए यहाँ इधर की साइड रखते हुए आप किसी भी तरीके का लेस का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चौड़ी टाइप की हो उस तरीके की लेस आप लगाएं इसके नीचे। तो नीचे की साइड रखकर दोनों ऊपर और नीचे की साइड सिलाई लगा कर इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें अब हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके की हम प्लेट्स इसमें डालेंगे। देखिए थोड़ी सी छोटी छोटी प्लेट्स इस तरीके से करते हुए इस पर प्लेट्स डालते रहेंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए प्लेट्स डाल देते हैं इस पर भी। तो देखिए प्लेट्स डाल करके ये इस तरीके से हमारा आएगा, ये राउंड शेप में हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चोली अटैच करेंगे ऊपर की साइड इसमें। तो यहाँ पर अब मैं चोली बनाने के लिए सेम फैब्रिक को ले लूँगी। तो ये मैं देखिए मैंने सेम फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसको लेने के लिए। और इसे मैंने ये देखिए चौड़ाई लंबाई इसकी मैंने 11.5 और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4.5 इंच की ली है। और इसको मैं ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके एक साइड सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगा दिए, सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट करके सीधा कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से इसको सीधा कर लेंगे आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारी थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप है तो आसानी से ये पलट करके सीधा भी हो जाएगा। देखिए आप कितनी आसानी से ये हमने सीधा कर लिया इसको। तो इसको सीधा करने के बाद अच्छी तरीके से पहले इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड में हम यहाँ पर टिश्यू रिबन लगा करके इसको लॉक करेंगे। इसी स्ट्रिप में हमें दोनों साइड टिश्यू रिबन लगाना है। तो यहाँ पर लगा करके इसको हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। चलिए लगा लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये टिश्यू रिबन लगा करके लॉक कर दिया दोनों साइड से। अब हम इसमें से दो स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए दो स्ट्रिप मैंने काट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर में देखिए इस तरीके से इनको रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रख करके इसमें सेंटर में थोड़ी सी दूर पर इस पर सिलाई लगा देंगे। इसकी चोली बना करके हम तैयार करेंगे। एक साइड सिलाई लगाएंगे सेंटर में और फिर दोनों साइड इस साइड भी सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे इसे। तो देखिए चोली बना करके मैंने तैयार कर दी है। अब इसको हम अपनी ड्रेस के बेस पर लगा करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। इसके लेंथ के बराबर की मैंने इसको तैयार की है। तो देखिए सिलाई लगा करके भी इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। देखिए ड्रेस ये देखिए कितनी जल्दी से बन करके ये तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जिस तरीके से हैवी ड्रेस आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, इसी तरीके की ड्रेस बहुत ही आसानी से आप ये देखिए अपने घर पर बना करके तैयार कर लेंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे, गोपाल जी के पोशाक आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके की और ब्यूटीफुल ड्रेसेस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ब्यूटीफुल सी ड्रेस के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।